जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हम लोग यहाँ पे फॉल सीलिंग स्टार्ट करने वाले हैं और पूरा सीलिंग में हम लोग का वायरिंग हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि वायरिंग हम लोग कैसे करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आप फॉल सीलिंग कैसे कर सकते हैं। तो फॉल सीलिंग करने के लिए सबसे पहले अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये आप जो देख रहे हैं ये थर्मोकोल है हमारा। तो ये हमारा जो सीलिंग है, ये हमारा फ्लोर जो है ये टॉप फ्लोर का फ्लोर है। तो थोड़ा आइसोलेशन करने के लिए, मतलब थोड़ा गर्म, आपका घर ठंडा रहे, थोड़ा गर्म कम लगे, तो सीलिंग के साथ साथ हम लोग यहाँ पे थर्मोकोल भी लगाने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पे थर्मोकोल देख रहे हैं। तो पूरा वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि थर्मोकोल कैसे लगाएं और फॉल सीलिंग, यहाँ पे हम लोग का प्लेन फॉल सीलिंग होगा तो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आज काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफी नॉलेजेबल वाला वीडियो है। अगर आप पूरा देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि आप गर्मी से कैसे बच सकते हैं अपने घर में फॉल सीलिंग करने के बाद। तो पूरा वीडियो देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करें इंटेड जगत चैनल को और पास ही इस बेल आइकन को दबाइए और देखिए लेटेस्ट डिजाइन वीडियो सबसे पहले वीडियो में, और मैं आपको पूरा डिटेल्स के साथ बताता हूँ कि आप फॉल सीलिंग कैसे कर सकते हैं और क्या क्या प्रोसेस है। ओके, सबसे पहले मैं मटेरियल डिटेल्स यहाँ पे आपको बता दूँ क्या क्या लगता है इसमें फॉल सीलिंग करने में। सबसे पहले ये एनडी स्क्रू, जो कि 35-8 का स्क्रू है, मतलब 1.5 इंच का ये स्क्रू है, ठीक है। और इसके बाद इसके साथ लगता है हमारा ये एल हो गया, और ये आपका फासनट हो गया। इसको सेट करने के लिए ऐसा हम लोग का सेट करना पड़ता है, जो कि एक एक सेट आपका देख रहे हैं ये, इसको हम लोग फासनट बोलते हैं, इसको नट बोल्ट बोलते हैं, और नीचे वाला को एल बोलते हैं। ये जब लगता है तो ये सीलिंग में ऐसा लगता है। तो अभी मैं इसको पूरा आपको दिखाऊंगा। अभी इसको यहाँ पे जितना भी लगने वाला है उसके हिसाब से इसको हम लोग फिक्स कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं एक के साथ एक में। और ये हो गया हमारा स्क्रू, जो कि जिप्सम स्क्रू है, जैसे आप देख रहे हैं पाटा कंपनी का है ये। तो ये जिप्सम स्क्रू हो गया, ये फाइबर टेप हो गया, ये हो गया आपका फाइबर टेप, जो कि ज्वाइंट आपका बोर्ड का ज्वाइंट में हम लोग इसको देते हैं। और ये हो गया आपका जिप्सम स्क्रू, और ये हो गया आपका कनेक्टिंग क्लिप, ठीक है। तो ये सारा आपका इसमें अहम रोल है इसका। तो अभी मैं पूरा करके आपको दिखाऊंगा कौन सा कहाँ पे काम पड़ता है, ये पूरा मटेरियल है। और इसके साथ में हम लोग का ये चैनल है, जो कि आप इसको पेरीमीटर बोल सकते हैं, पेरीमीटर ही बोलते हैं, बोल नहीं सकते, पेरीमीटर है। इसका इसमें आपका अंदर में सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है, और इंटर है इसका, ये वाला, ये आपका इंटर है। सबसे पहले एक कॉर्नर में आपको सीलिंग का हाइट डिसाइड करके दाग देना है, जो कि हम लोग यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं 5 इंची प्लेन सीलिंग के लिए, क्योंकि ऊपर में हम लोग का थर्मोकोल होने वाला है, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे 5 इंची का दाग दिया है उस जगह में। अब इस बंदे के हाथ में एक पाइप है, जिसमें वाटर पाइप, वाटर लेवल पाइप बोलते हैं, और एक वहाँ पे है वाटर लेवल पाइप, ठीक है। तो अब हम लोग ये जो दाग दिए हैं वाटर लेवल का, उस दाग में ये बंदा पाइप का जो दाग, पानी का दाग है वो मिलाएगा वहाँ पे, वहां पे पानी का दाग मिलाएगा। उसके बाद वो दाग, पानी का जो लेवल है वो लेवल उसके पाइप के पास सेम रहना चाहिए, तब वहां पे वो दाग देगा। जहां पे ये पानी का लेवल होगा वो लेवल वहां पे वो मार्किंग करेगा उसी पानी के लेवल को, उस पानी का लेवल को हम लोग लेवल बोलते हैं। उसके बाद वो जो पानी का दाग थे वहां पे वो दाग दिया, फिर उसी को लेके वो बंदा वहां पे उस पानी का लेवल को पकड़ेगा, फिर ये घूमते हुए पूरा रूम में ये पानी का लेवल हम लोग यहाँ पे चेक करते हुए, मार्किंग करते हुए जाएंगे। अभी भी हम लोग ये कॉर्नर में जो दाग है वहां पे पानी का लेवल पकड़ रखा है, और ये पूरा जो सेकेंड पाइप का लेवल है वो घूमता जाएगा, मतलब एक के बाद एक दाग देता हुआ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोगों ने मार्किंग किया, एक मार्किंग आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा इस जगह में, फिर वहां पे पानी का लेवल रुकने के बाद जहां पे पानी का लेवल रुका हुआ रहेगा वहां पे वो पेंसिल का दाग देगा,
के बाद का जो प्रोसेस है, ये हमारा जो रूम का साइज है ये हमारा 118 इंच है, तो इसके हिसाब से हम लोग बीच में जो जिसको हम लोग बीम बोलते हैं इंटर, उसके लिए हम लोग यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे 39 और इस वॉल से 39, मतलब इसको हम लोगों ने तीन भाग में डिवाइडेड किया, एक पार्ट, सेकंड पार्ट, तीसरा पार्ट। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट करके दाग दिए हैं, तो ये 39 में और उधर से 39 में ये मेजरमेंट होके हम लोग का आपका यहाँ पे अभी हम लोग इसको बीम लगाएंगे। बीम का जो फेस होगा ये ऐसे करके इधर से इधर आएगा, ठीक है। तो ये भी आप देखिए, उसके बाद ये जो दाग हो रहा है ये हो गया हमारा नीचे वाला लेवल पेरीमीटर लगाने के लिए, मतलब जो सीलिंग ड्रॉप हो रहा है, सीलिंग ड्रॉप करने के लिए जो हमारा सीलिंग लगेगा, तो वो पेरीमीटर का हम लोग यहाँ पे दाग दे रहे हैं इस जगह में। ये हम लोग का पेरीमीटर जो लगाएंगे, ये आपका लास्ट वॉल जो कि लेवल सीलिंग से जो ड्रॉप हो रहा है 5 इंची, उसके हिसाब से जो हम लोगों ने वाटर लेवल किया था, तो ये पेरीमीटर मारने का दाग है। और अभी इसका जो प्रोसेस है, ये हम लोग का वॉल में पूरा मार्किंग हो चुका है जो कि आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको वॉल में ड्रिल करेंगे और ड्रिल करके पेरीमीटर लगाएंगे। तो पूरा प्रोसेस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि फॉल्स सीलिंग कैसे होता है। आप जो दाग देख रहे हैं, दाग के ऊपर में, मतलब दाग जो है वो निचला हिस्सा होना चाहिए पेरीमीटर का, और नीचे लेवल करके आपको ये ड्रिल करना है जो कि आप देख रहे हैं। और ये वाला स्क्रू जो देख रहे हैं, ये वहां पे हम लोग जो ड्रिल कर रहे हैं वो ड्रिल में ये वाला स्क्रू हम लोगों को पीवीसी के साथ डायरेक्ट इसमें मारना है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं ये हो गया हमारा हैंगर। सीलिंग हमारा जितना डाउन होगा उसके हिसाब से आपको ये हैंगर कटिंग करना है। अगर हम लोग का सीलिंग 5 इंची डाउन हो रहा है तो इसको हम लोग 6 इंच का, 7 इंच का कटिंग करेंगे, क्योंकि ये वाला थोड़ा हम लोग को मोड़ना पड़ता है। तो अराउंड आप 5 से 5, अगर 5 इंची डाउन हो रहा है तो आप इसको 6 इंची से 7 इंची तक हैंगर को आप कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग ये हैंगर कटिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये होल करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो देख रहे हैं ये हम लोग का फास्टनर इसमें जाके हुक होगा। आप देखें यहाँ पे ये पूरा हम लोग का हैंगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पूरा एरिया को कवर करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने हैंगर लगा दिया है फास्टनर के साथ। तो ये पूरा हैंगर अभी हम लोग का लग चुका है, पेरीमीटर लग चुका है, ये पूरा हैंगर लग चुका है। अब इसके जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखें तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको इसका नेक्स्ट प्रोसेस दिखाता हूँ। जो इंटर लगाएंगे तो इंटर के लिए हम लोग लेवल कर रहे हैं, जो पेरीमीटर का हेड है वो पेरीमीटर के हेड में
और उस पेरीमीटर के हेड में रखने के बाद यहाँ पे जो इंटर है, इंटर के लिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये जो हैंगर है हैंगर में एक दाग आएगा, तभी जाके हम लोग वहाँ दाग में जब इसमें इंटर को हैंग करेंगे तो ये एक लेवल में हो, कहीं ऊपर नीचे नहीं हो, तो वो इंटर का पेरीमीटर का हेड और इसका हेड के ऊपर से ये वाला हम लोग हैंगर को लेवल करने के बाद यहाँ पे इंटर को स्क्रू करेंगे, जो कि मैं आपको इसमें अभी दिखा दूंगा। ये लेवल इसलिए हम लोग ने किया, बीम बोलते हैं और हम लोग इसको इंटर बोलते हैं, तो इंटर ऐसा करके वर्टिकल यहाँ पे रहेगा, जो कि आप देख रहे हैं इस जगह में, ये पेरीमीटर के हेड में ऊपर में और उधर पेरीमीटर के ऊपर में ये सपोर्ट रहेगा, और ये जो हैंगर है हैंगर में हम लोग का ये स्क्रू होगा, जो लेवल है लेवल के ऊपर से ये स्क्रू होगा, जो देख रहे हैं आप हैंगर में, ये लेवल हम लोगों ने लिया था और उसके माथे में वहां पे रखा हुआ है, और यहाँ पे ये हम लोग का इसको स्क्रू कर रहे हैं, जिप्सम स्क्रू से ही आपको स्क्रू करना है। और जो एक्स्ट्रा पार्ट है हैंगर का उसको मोड़ के ऊपर की तरफ करना है, ताकि जब आप बोर्डिंग करेंगे या फिर सेक्शन लगाएंगे तो वो आपका टकराए नहीं, तो एक्स्ट्रा पार्ट जो था वो वाला को हम लोग मोड़ के ऊपर की तरफ कर दिए, जैसे कि आप देख रहे हैं सभी का। अब जो प्रोसेस है, अब यहां से हम लोग सेक्शन लगाएंगे, सेक्शन लगाने के लिए हम यहां से वॉल से हम लोग पहला जो है 18 इंची में दाग देंगे। बहुत लोग सेक्शन को 2 फीट में लगाते हैं, लेकिन मेरा जो काम है वो मैं 18 इंच में सेक्शन देता हूं, ताकि थोड़ा स्ट्रांग रहे और मजबूत आपका सीलिंग हो, और इसलिए मैं सेक्शन का जो डिस्टेंस होता है वो 18 इंच ही देता हूं, और बोर्ड 18 इंच का मिडिल से वॉल से बोर्ड मिडिल में लगता है हम लोग का, तो ये 18 इंची वॉल से 18 इंची का डिस्टेंस में सेक्शन देंगे। तो सेक्शन का यहाँ पे दाग दीजिए, एक 18 इंची यहाँ एक दाग हुआ, एक मिडिल में वहाँ पे एक दाग हुआ, तीसरा यहाँ पे होगा, ऐसे कर करके आपको सेक्शन के लिए दोनों दाग देते जाना है, ठीक है। ये हमारा जो दाग हम लोग देख रहे हैं पेंसिल का जो मार्किंग कर रहे हैं वो सेक्शन के लिए कर रहे हैं, 1 2 3 ऐसा करके, 3 यहाँ पे है, चौथा नंबर यहाँ पे होगा, 18 इंची कर करके मार्किंग आपको देना है सेक्शन लगाने के लिए, और ये जो सेक्शन का मार्किंग होगा ये दोनों साइड में होगा, इधर से भी 18 इंची, ताकि दोनों का जो लाइनिंग हो, दोनों का लाइनिंग ठीक ठाक हो, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ये 18 अगर दब जो देंगे तो इधर से भी 18 देंगे, तो सेक्शन पूरा सीधा जाएगा। अभी हम लोग जो मेजरमेंट कर रहे हैं सेक्शन, क्योंकि ये 10 फीट का है अराउंड, और हम लोग का जो इंटर सेक्शन का दाग, अभी सेक्शन हम लोग का 12 फीट का आता है, तो इसको कटिंग करने के लिए हम लोग यहाँ से अभी मेजरमेंट लिए कितना साइज का लगेगा सेक्शन अपना, तो सेक्शन यहाँ पे अभी हम लोग लगाएंगे, और जैसे कि मैंने आपको बताया 18 इंची गैप गैप में हम लोग लगाएंगे। ओके, पेरीमीटर के मिडिल में, और ये जो दाग है दाग का सेंटर होना चाहिए, और ये हम लोग अंदर में इसको जो पेरीमीटर का गैप है उसमें हम लोगों ने सेक्शन को डाला है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं दाग का सेंटर होना चाहिए, मतलब ये जो सेक्शन है सेक्शन के सेंटर में ये दाग होना चाहिए, दोनों साइड में ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये जो इंटर में अभी क्लिप करेंगे हम लोग, इंटर के साथ में इसको ज्वाइंट करेंगे, यहाँ पर भी जो दाग देख रहे हैं आप, ये दाग के साथ यहाँ पे ये कनेक्ट होगा। ये है हम लोग का क्लिप, जो कि वहाँ पे आप देख सकते हैं वो वहाँ पे लगाया जा रहा है, तो ये जो सेक्शन और सेक्शन और इसका पार्ट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये सेक्शन का काम विद थर्मोकॉल सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से जो है हमारा पूरा स्टार्ट होगा बोर्डिंग का काम, जिप्सम बोर्ड का काम हमारा स्टार्ट होगा, तो अभी मैं यहाँ पे बोर्डिंग करते हुए मैं आपको दिखाऊंगा जिप्सम बोर्ड इसमें कैसे क्या करना है, ओके, लगाते कैसे। और ये जिप्रोक का बोर्ड है, थोड़ा वेट ज्यादा होता है इसका, अदर बोर्ड से जो हम लोग यूज करते हैं उससे थोड़ा वेट ज्यादा इसका होता है, ये आप देख सकते हैं। और ये जो मार्किंग किए थे हम लोग, मार्किंग बाजू में ये हम लोग का यहाँ पे स्क्रू करना होता है।
सर्वे